वालेकुम मैं हूँ मोहम्मद जुनैद तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की जानब से गाड़ियों के लिए कर्ज स्कीम लेकर आया हूँ आप अपनी पसंदीदा ब्रांड्स जैसा कि होंडा टोटा सुजुकी किया की गाड़ी खरीद सकते हो वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका कैसे अप्लाई करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कौन फाइनेंसिंग कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है कितना मार्कअप होगा मुकम्मल तफसी दूंगा तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज करते वक्त आपको को कोई मसला या परेशानी न बने मैं इस वक्त हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ आप अपनी ड्रीम कार परचेज कर सकते हो थ्रू कार फाइनेंसिंग बाय हबीब मेट्रो पुलिटिन बैंक ठीक है यहाँ पे इसके सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर बनाई गई तमाम न्यू यूज गाड़ियां खरीद सकते हो ठीक है उसके बाद आपको बिल्ट इन इंश्योरेंस जो है ट्रैकर भी दिया जाएगा एक जो रिप्यूटेबल कंपनी है उसका बना होगा वो उसका लगा होगा उसके बाद व्हीकल आपको एच पी ए बैंक आपको देना पड़ेगा कस्टमर नेम के साथ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास रजिस्ट्रेशन एंड एडवांस यानी कि आपको विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा जो कस्टमर होगा उसके बाद आप कोब वॉर की ऑप्शन भी मौजूद है यानी कि आपकी जगह पे कोई आपके घर में से भी वो गाड़ी ले सकता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखें अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे नोट चार्जेस आफ्टर टू ए यानी कि दो सालों के बाद आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है आप अर्ली पैसे पे करके भी वो सारी इंस्टॉलमेंट खत्म करवा सकते हो उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट कॉल फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान है हबीब मेट्रो बैंक उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास प्राइसिंग जो होगी वो फिक्स भी है और वेरिएबल यानी कि फ्लोट भी है ये आपने खुद चूज करना है मैं आगे, आगे आपको चल के बताऊंगा मिनिमम जो इक्विटी है वो आपको थर्टी परसेंट दी जाएगी आप चूज कर लेंगे उसके बाद मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है आपने लाख तक मैक्सिमम फाइनेंसिंग चूज कर सकते हो यानी कि मैक्सिमम पैसा जो ले सकते हैं वो तीस लाख रुपए तक उसके बाद प्रोसेसिंग फी जो है वो आपसे छह ,00 ली जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ फैट ठीक है यानी कि अगर आपका लोन अप्रूव होता है तब आपसे ये छह हजार लिया जाएगा अदरवाइज नहीं लिया जाएगा टीनोअर जो है वो आपको पांच सालों तक चूज करना होगा आप एक से पांच सालों तक टिन्य चूज कर सकते हैं उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ ऑफ आकुपेशन है मिनिमम आपको छह मंथ हो गए हो परमानेंट के लिए यानी कि जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनको छह मंथ हो गए हो नौकरी करते हुए और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनको एक साल हो गया उसके हो उसके बाद जो सैलरीड पर्सन है उनके मिनिमम सैलरी जो है वो पचास हजार हो उसके बाद जो उनकी मिनिमम पचहत्तर हजार रुपया होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं सैलरी पर्सन जो है उसके बाद जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी जो सैलरी है वो एक लाख से ज्यादा होनी चाहिए मोब एवरेज बैलेंस से ठीक है जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उसके बाद जो है एज का क्राइटेरिया देखते हैं एज आपकी इक्कीस साल से पैंसठ साल होनी चाहिए जो सैलरीड पर्सन है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी उम्र जो है वो 21 साल से 70 साल है ठीक है इसके दरम्यान दरमियान वो अपना ये लोन ले सकते हैं कॉर फाइनेंसी का ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो आपने फॉर्म फिल करना है वो कंप्लीट होना चाहिए ठीक है वो आपको अभी मेट्रो बैंक की वेबसाइट से नहीं मिलेगा आपको नजदीकी ब्रांच से मिलेगा ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा आपके पास स्नापी कार्ड होना चाहिए लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए उसके बाद प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कहाँ से आपकी पैसे आ रहे हैं सैलरी पर्सन के लिए सैलरी स्लिप होती है उसके बाद जो बिज़नेस जिनका है वो, वो बिज़नेस का प्रूफ देंगे अपना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ऑटो फाइनेंसिंग कैलकुलेटर को हम देख लेते हैं सबसे पहले देखें यहाँ पे आपने बताना है कि जो व्हीकल्स की प्राइस कितनी है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जी मेरी गाड़ी की जो प्राइस है वो तकरीबन 20 लाख रुपए है आपने वो सारा कुछ बताना है 20 लाख है 30 लाख है ठीक है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ उसके बाद आपने बताना है कि आपकी न्यू गाड़ी लेनी है या फिर यूज क्या लेनी है मैंने न्यू गाड़ी लेनी है उसके बाद आपने बताना है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आप चूज करेंगे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है बिजनेस मैन वगैरह या सैलरी पर्सन है तो मैं सैलरी पर्सन हूँ या मैं बताऊंगा उसके बाद मैंने बताना है कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल ठीक है आपको क्या चाहिए न्यू टू ब्यूरो है या फिर आपकी एस्टेबलिश है ठीक है पहले हो चुकी है उसके बाद नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है नीचे टिन्योर चूज करना है टिन्योर में देखें आपके पास आपने चूज करना है कि आपने एक साल के अंदर लेना है दो सालों के लिए तीन के लिए चार के लिए या पांच सालों के लिए या आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे उसके बाद आपने मार्कअप आप की टाइप चूज कर रही है फिक्स चाहिए या फिर आपको फ्लोट फ्लोट में ये होता है कि हर साल वो चेंज होता रहेगा ठीक है आपको ज्यादा या कम देना पड़ेगा फिक्स में होगा कि आपने जितने सालों कंटिन्यू और चूज किया पांच सालों के अंदर वापस करेंगे कर्ज तो आपको पांच साल एक ही जितना लगेगा ठीक है फिक्स में ये होगा उसके बाद आपको मिनिमम जो इक्विटी दी जाएगी वो थर्टी परसेंट है मैक्सिमम आप ज़्यादा भी कर सकते हो मैं थर्टी परसेंट चूज करूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं जब कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा नीचे देखें तो मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो बता देगा आपको फाइनेंसिंग कितनी मिलेगी उसके बाद अप फ्रंट आपको कितना पेबल होगा उसके बाद टोटल टेंटेटिव मंथली इंस्टॉलमेंट आपको इतनी पे करनी पड़ेगी इसी तरह आप इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके आप खुद भी चेंज करके चेक कर सकते हो और वैल्यूज दे के ठीक है जिस तरह आपने चेक करना हो ये मैंने एक आप जनरल यूज बता दिया किस तरह यूज करते हैं ठीक है उसके बाद मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ले चलता हूं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पे आप देख सकते हैं आप एप्लीकेंट जो है वो एम्प्लॉय होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल का या गवर्नमेंट का या बिजनेसमैन होना चाहिए ठीक है किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक रखता हो गवर्नमेंट का हो तब आप उसे बहुत इजीली ये मिल जाएगा उसकी उम्र जो है वो साठ साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पहले भी मैं बता चुका हूँ उसके बाद यहाँ पर देखें फाइनेंसिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले कार वेरियंट में देखें तो आपके पास आल्टोटा वेरियंट्स मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सएल Atlas, ग्रेंडी फॉर्चूनर रिवो ठीक है उसके बाद ऑल न्यू जीरो मीटर होंडा आपको मिलेगी सुजुकी किया variants के उसके बाद दूसरी देखें लीज पीरियड आपको ट्योटा के ऊपर पांच सालों का दिया जाएगा उसके बाद सजुकी होंडा और किया पे आपको चार सालों का आपको टेन्योर दिया जाएगा लीज़ पीरियड का ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें डाउन पेमेंट जो है तीसरे नंबर पर डाउन पेमेंट आपको जीरो परसेंट देनी पड़ेगी टोटा के ऊपर उसके बाद मिनिमम आपको ट्वेंटी परसेंट देना पड़ेगा होंडा सजुकी और किया के ऊपर डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी होन्डा सजुकी और किया पे ट्वेंटी और टोटा पे जीरो है उसके बाद रेजिड्यू वैल्यू जो है आपके पास मैक्सिमम ऑफ 50 परसेंट रेजिड्यू वैल्यू के ऊपर भी आप ले सकते हैं ठीक है रेजिड्यूल वैल्यू क्या होती है वो आपकी यानी कि आपने जितनी की गाड़ी है 50 लाख की गाड़ी है आप एंड पे यानी कि इंस्टॉलमेंट के बाद इकट्ठे पैसे वापस कर सकते हो लेकिन इसमें ये होगा रेजिड्यूल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स वगैरह आपको हर मंथली इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा मैक्सिमम थर्टी आपको देना पड़ेगा होंडा किया और सुजुकी के लिए ठीक हो गया ये थी यानी कि आपने क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाड़ियों के ऊपर उसके बाद हम एप्लीकेशन के बारे में उसकी प्रोसेसिंग के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कौन कौन सी चीजें चाहिए यहाँ पे देखें आपके पास क्या होने चाहिए टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास सी एन आई सी और एन टी एन सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉपीज ऑफ टेस्ट पेड यूटिलिटी बिल यानी कि गैस या बिजली का बिल होना चाहिए आपके पास कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट सिक्स मंथ की उसके बाद कॉपी ऑफ क्रेडिट क्रे, कार्ड बिल्स की आपके पास होनी चाहिए लास्ट थ्री मंथ की नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है आपके पास कॉपीज ऑफ इनकम और वेल्थ जो है ना डब्ल्यू टी एच रिटर्न जो है उसका दो ईयर का आपके पास होना चाहिए दो सालों का चेक आप पच्चीस सौ आपको चाहिए फॉर प्रोसेसिंग फी के लिए उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है फॉर सेलरीड पर्सन वो यहाँ पे नीचे मेंशन है Let's, let's होनी चाहिए आपकी ओरिजिनल आर कंपनी कॉपी होनी चाहिए आपके पास लेटर होना चाहिए आपके पास जब आपने वो नौकरी ज्वाइन की ठीक है और आपकी एंड कब होगी वो, वो सारा कुछ उसके और आपको पास होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यहाँ पे देखें आपके पास कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए करंट प्रोफेशनल एसोसिएशन आपके पास होनी चाहिए मेंबरशिप होनी या फिर आपके पास जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए कॉपी ऑफ ओनरशिप या रेंटल आपके पास मौजूद होनी चाहिए एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेसमैन बिजनेसमैन के लिए कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं जो पहले बताए उनके अलावा ठीक है बैंक सर्टिफिकेट आपके पास स्टार्टिंग एप्लीकेंट बिजनेस अकाउंट एंड इट्स ड्यूरेशन जो आपकी ड्यूरेशन वगैरह होगी बैंक की स्टेटमेंट की वो सारी आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपके पास गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए यानी कि अगर एप्लीकेबल है तो उसके बाद कॉपी ऑफ ओनरशिप या रेंटल आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए जो जो आपके पास बिजनेस के अंदर चीजें हैं उनका उसके बाद कॉपी ऑफ आपके पास पार्टनरशिप डेट होने चाहिए अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो ठीक है ये थी मुकम्मल ठीक है आप किस तरह हबीब मेट्रो फाइनेंसिंग से लोन ले सकते हो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए उसके बाद गाड़िया किस किस में आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी कौन कौन से ऊपर आपको मार्क आप कितना लगेगा आपने कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो सारा मैंने आपको बता दिया अब आपने अप्लाई कैसे करना है आप किसी भी ब्रांच में चले जाए हबीब मेट्रो बैंक की ठीक है हर जगह पे हर पाकिस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर हर सिटी के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं अभी हाँ मेट्रोपॉलिटन बैंक की आप वहाँ पे चले जाएं उन्हें बताएं मुझे जी कार फाइनेंसिंग के लिए लोन चाहिए वो आपको दरख्वास्त देंगे और साम देने के बाद आपने फिल करना है सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है और वहीं पर सबमिट करवा देना है उसी ब्रांच के अंदर और फिर वो आपको खुद कॉल कर लेंगे ठीक है आ जाओ और अपना लोन ले जा सकते हो ठीक है मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बेलाइकन क्लाज प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बरबती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें शुक्रिया टिल देन अल्लाह हाफिज़